नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोज नाथ एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया इंटरनेट के इलेक्ट्रिकल यूसेज के ऊपर, वो कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ऑपरेशन में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में आप लोग किसी को अगर संदेश भेजना होता था तो चिट्ठी लिख के भेजते थे और वो चिट्ठी का 10-15 दिन जाने में लगते हैं, 10-15 दिन फिर वो रिप्लाई लिख के भेजेगा तो एक महीना आपका चिट्ठी में चला जाता था। बट आज की डेट में अगर आप किसी को भी कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो विद इन सेकेंड आप उसको व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या किसी और मैसेंजर के थ्रू मैसेज करते हो ना, विद इन अ सेकेंड आपके पास उसका मैसेज आ जाता है। वैसे ही दोस्तों जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ भी टाइप करेंगे, फेसबुक पे टाइप करेंगे या इंटरनेट पे कुछ भी टाइप करेंगे, सडनली वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। वो किसी न किसी फाइल में स्टोर किया गया होता है, किसी न किसी डाटा सेंटर में स्टोर किया गया है, चाहे वो फेसबुक का, गूगल का, यूट्यूब का, माइक्रोसॉफ्ट का, किसी का भी हो, मगर वो कहीं ना कहीं स्टोर किया गया। और वो डाटा स्टोर करने के लिए वो 24 आवर उसके जो हार्ड ड्राइव से, बड़े बड़े हार्ड ड्राइव से वो 24/7 चलते रहते हैं। क्यों 24/7 चलते रहते हैं? क्योंकि इन फेसबुक या गूगल को ये नहीं पता, ये यूट्यूब को ये नहीं पता कि आप कब उसके बारे में वो जानकारी मांग लेंगे। सो दोस्तों जैसे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन फेसबुक और ये यूट्यूब व्हाट्सएप सब पे होती है, ये डाटा सेंटर्स में होती है। सो दोस्तों इन डाटा सेंटर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 24/7 रन करते हैं। ये इनमें एयर कंडीशन, क्योंकि इन सिस्टम को कूलिंग करने के लिए एयर कंडीशन 24/7 चलता है, तो ये कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते होंगे। सो दोस्तों एक रफ एस्टिमेटिंग 2014 का एक सर्वे है, उसमें ये US गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, तो उसमें ये बताया कि 2014 में जितने भी US में डाटा सेंटर्स हैं, वो डाटा सेंटर 2% ऑफ पूरे एंटायर US की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो जो 2% इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा US यूज़ कर रहा है, उसकी 2% इलेक्ट्रिसिटी से फिर डाटा सेंटर्स यूज़ करते हैं। मगर डाटा सेंटर्स दोस्तों पुराने ज़माने के, मतलब पिछले समय के डाटा, उसमें डाटा सेंटर कम हुए, क्योंकि पहले होते थे पर्सनल डाटा सेंटर होते थे, छोटी छोटी कंपनी उसके डाटा सेंटर होते थे। बट ये अभी ऐसा नहीं है, अभी बड़े हब्स में बदल गए हैं। एक एक कंपनी का कोई एकड़ में डाटा सेंटर और मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड कर रही है उनको डाटा को प्रिवेंट करने में, डाटा को स्टोर करने में। तो ऐसे ही दोस्तों जैसे कि आप ऐसे बात चल रही है कि जो ये डाटा सेंटर है इनके एयर कंडीशन में इतना खर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको एक ठंडे जगह पे एंटार्क्टिका में या अंडर वाटर पानी में कहीं क्यों नहीं भेज फिक्स कर सकते, जहाँ की हमारे के जो कूलिंग का खर्चा, जो एयर कंडीशन का खर्चा है कि वो बच जाए। तो दोस्तों इसके ऊपर स्टडी चल रही है, इसके ऊपर बात चल रही है, मगर ये तो ये इन फ्यूचर में भी पॉसिबल है। इन फ्यूचर वो शायद इसके ऊपर काम कर रहे हैं और शायद इन फ्यूचर ये सब पॉसिबल है कि वो इसको डाटा सेंटर्स को या तो किसी कोल्ड प्लेस पे या तो पानी अंडर वाटर कहीं ना कहीं भेज सकते हैं कि स्टोरेज के लिए, स्टोरेज की। तो ये थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी और ये जो एयर कंडीशन का खर्चा है वो बचाए। मगर दोस्तों इंटरनेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये डाटा सेंटर को बंद नहीं कर सकते। एक एक डाटा का मल्टीपल होता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की होती है एक एक डाटा की, जैसे कि किसी में कभी पता नहीं है कि आप कब क्या मांग लें। तो अभी जैसे कि मैं ये वीडियो आ रही है, आप कोई भी ये वीडियो टाइप करके देख सकता है, कोई भी ये वीडियो की जानकारी मांग सकता है। तो फेसबुक को ये नहीं पता कि आप ये वाला डाटा, ये मैं बंद कर देता हूँ, अगले एक घंटे बाद फिर इसकी डाटा निकाल फिर चालू कर दूंगा, तब तक के लिए ठंडा हो जाए। तो आप उसको नहीं पता है कि वो, अगर आपने जानकारी मांगी है तो विद इन अ सेकेंड आपको वो जानकारी देनी ही पड़ेगी फेसबुक को। तो इसीलिए दोस्तों इसके मल्टीपल बैकअप्स होते हैं, मल्टीपल कॉपीज होती हैं, क्योंकि अगर एक डाटा मिस हो गया तो आप, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, फेसबुक की जिम्मेवारी है कि आपको आंसर देना होगा कि आपका डाटा मिस कैसे हुआ। तो उसकी मल्टीपल कॉपीज रखी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये एक मल्टीपल कॉपीज या एक या दो जगह अलग से स्टोर किया होता है कि अगर एक गलती से मिसप्लेस भी हो गया तो उसको दूसरे को
कर सके हम लोग, फिर दूसरे को यूटिलाइज कर सके। तो मगर दोस्तों मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना, हम लोग आप कह रहे होंगे यार हम लोग इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें डाटा स्टोर करने में, व्हाई यू स्पेंडिंग दैट मच इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट मच मनी। मगर दोस्तों जो आप देखेंगे कि अभी आप इतना अगर आपने जैसे कि एक मैसेज भेजा, तो अगर ये इंटरनेट है तो कितना यूजफुल है हमारे लिए ये इंटरनेट। अगर आपने वो मैसेज नहीं भेजना या आपने चिट्ठी भेजनी उसको 15 दिन, या आप खुद अपने कार उठाएंगे और दोस्त के पास जाएंगे उसको मैसेज देंगे उसका आंसर लेके फिर आएंगे, तो वो भी कितनी कॉस्ट है। हम 2% इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हम इतना दूसरा खर्चा और भरा रहे हैं। और ये इंटरनेट जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है, फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि ये विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं और किसी से उसकी बात जान सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि इसको कैसे, तो जैसे मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था, 20 मेरे पास एक आया 2020 तक कितना 1.4 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी का 140 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी पर आवर यूज़ करने वाले हैं 2020 तक, जो डाटा सेंटर्स है, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं जहाँ ये डाटा स्टोर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे, तो इनको सही में कोई ना कोई अल्टरनेटिव इसका ठंडे जो एयर कंडीशन या कुछ, ये पूरी तरह से तो बंद नहीं हो सकता है क्योंकि ये यूज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, बट इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एयर कंडीशन का खर्चा बचा सकते हैं तो वो एक किसी कोल्ड प्लेस में रख के वहाँ एयर कंडीशन का खर्चा बचा सकते हैं, या फिर अंडर वाटर रखे, जैसे उस पर भी रिसर्च चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी उसका लिए ट्रायल रन किया, तो देखो इन फ्यूचर शायद वो हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे थे 25-26 साल पहले जब इंटरनेट बूम हुआ था, .com आया था, तो तब पर डे की इंटरनेट कंजम्पशन थी 100 GB फुल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और आज की डेट में एक एवरेज इंडियन 1-2 GB पर डे यूज करता है। देखिए कि 25 साल पहले 100 GB पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा था और आज एक बंदा 1 या 2 GB, अगर नॉर्मली मिनिमम टू मिनिमम देखें तो 1 लाख बंदे अगर 1 GB पर डे का यूज कर रहे तो 1 लाख GB ओनली इन इंडिया पर डे का। तो आप देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा डाटा है कंपनियों को स्टोर करने के लिए, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, और वो 2% की बचत के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इतना बड़ा बोझ में नहीं डाल सकते कि आप फिर अपनी कार उठा के एक जगह से फ्यूल का खर्चा बढ़ाएं और हरासमेंट ये वो ट्रैफिक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसके ऊपर रिसर्चर्स काम कर रही, मैं सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया कि इंटरनेट पर दिन पर कितना वो इलेक्ट्रिसिटी और का यूज होता है और उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो फिर नई वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, जय हिंद।